हेलो एवरीवन वेलकम टू वाई यूथ टी यूथ से आपका स्वागत है डियर आज हम लोग बात करने वाले जो हमारी सीरीज चल रही है एसएससी जेई की उसमें हम लोग डियर बात करेंगे जो हमारी सीरीज चल रही थी एसएससी जेई की चैप्टर वाइज वाले उस क्वेश्चन हम लोग लगा रहे थे एस एस सी जी की बुक्स जो हम है उसमें डियर फ्लूट मैकेनिक्स हमारा बड़े शानदार तरीके से चल रहा था हम लोग आज फ्लूट मैकेनिक्स की लास्ट क्लास होगी हम लोग आज टोटल डियर थ्री चैप्टर कम्प्लीट करेंगे काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा उसमें मशीन का पार्ट वी डियर हमको देखना है मशीन के जो क्वेश्चन आएंगे हार्डोरिक मशीन वाले क्वेश्चन वो इंपॉर्टेंट होता है वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं काफ़ी और आपके नॉच पेयर वाले क्वेश्चन देखेंगे और बाएसी फोर्स वाले क्वेश्चन वहाँ से जो चैप्टर से पूछनाते हैं उसको देखेंगे तो आइए डेयर लेट ना करते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं डियर जो ये सेशन अपना चल रहा है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एस एस सी जे की एग्जाम के लिए क्योंकि इस सेशन को जो हम लोगों ने डिज़ाइन किया है इसको ध्यान में रखते हुए किया गया कि उन क्वेश्चन को डिस्कस किया जा रहा है कि जिससे कि ओवरऑल कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाए हर तरह के क्वेश्चन आपको मिल जाए और बुक्स में क्वेश्चन बहुत सारे हैं बट हम उन क्वेश्चन को सिलेक्ट कर रहे हैं जिसकी आपकी पूरी की पूरी

अगर आपने बुक रखा है तो आपको प्रॉब्लम ना हो पीडीएफ अगर आप फालतू के परेशान हो रहो पास बुक्स पे देख लो या फिर में अगर देखोगे तो में भी आपको चीजें मिल जाएंगी यही सेम क्वेश्चन के ऊपर जो वाटर का ओवर सीट फ्लो होगा उसको क्या बोलते हैं ये रहा है ऑप्शन दिया देखो बात क्या बनाता हूँ तो आपको आई थिंक पॉइंट्स क्लियर हो जाएगा ठीक है ना मैं बना के दिखाता हूँ आपको वियर ये तो मान लो अपना डेटम है वियर अपन का कुछ ऐसा है कई सेब का होगा किस जिस सेप का हो तो मान लो अपन लोग का ऐसा वियर कुछ है ठीक है अब जो है डियर अब वाटर यहाँ तक फिल है वाटर फुल है वाटर फुल है ठीक अब क्या है कि नो वाटर का जो वाटर जो है डयर हमारे क्या होगा वो फ्लो करेगा इसके ऊपर जो फ्लो करेगा इसके ऊपर जो फ्लो करेगा कुछ ऐसे पार्ट से कलर में थोड़ा चेंज कर दूं तो आपको आई थिंक दिखेगा तो फ्लो ऐसा किया कुछ और आगे ऊपर का पार्ट से यहाँ से भी कुछ ऐसे जाएगा तो जी ये वाटर मतलब कि निकल के बाहर वियर से जो जा रहा है ओवर सीट वर्ड बोला ना ओवर फ्लोइंग सीट जो इस वियर के ऊपर का पार्ट जा रहा उस पार है उस पार्ट के बारे में बोला है ओवर सींग ओवर फ्लोइंग सीट ऑफ वाटर वाटर का जो ओवर फ्लोइंग सीट है ऑन अ वियर इस बोलते हैं इस पार्ट को बोला है इस पार्ट को क्या बोलते हैं अब यहाँ पूरा वाटर फुल है यहाँ से पूरा वाटर फुल है यहाँ से पूरा वाटर फुल है वाटर इसके ऊपर से जा रहा है उस पार्ट को क्या बोलते हैं इसको इसके बारे में पूछा इस पार्ट को क्या बोलते हैं डियर इस जो पार्ट होता है इस पार्ट को हम बोलते हैं नेपी 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 बोलते हैं दिस इज ओके डियर अब ये जो वियर का ये ये पार्ट होता है डियर क्या क्रेश होता है इस पॉइंट से यहाँ पे टर्न कर जाता है और इस चीज को हम डियर का बोलते हैं नेपी और, और, और सीट क्या है ये जो वाटर जा रहा है ना ऊपर इसके ऊपर तो वही ओवर फ्लोइंग सीट और कुछ नहीं ठीक है ना तो आई थिंक ऑप्शन आपको मिल गया होगा ऑप्शन डी इज करेक्ट

तो जो साइड का स्लोप होता है अगर यहां से आप देखोगे साइड का स्लोप साइड का स्लोप रेशियो क्या होता है स्लोप वन रेशियो फोर वर्टिकल और, में डियर, और में डियर जो होगा स्लोप का वो कितना होता है रेशियो वन रेशियो फोर होता है तो आई थिंक अब के लिए पॉइंटल तो होगा साथ में रेशियो कितना होगा होता है ये बात आप याद रखना किसमें वर्टिकल और हॉर्जेंटल में वर्टिकल और हॉर्जेंटल में वन रेशियो फोर का

फिक्सन फैक्टर निकालना है आपको फार्मूला एक पता होगा एफ इक्वल टू सिक्सटी फोर अपन आर ये तो पता ही होगा डर सिक्सटी फोर अपान आरी पढ़े हो ना बहुत बार देखा होगा अपने फार्मूला अब यहाँ पे क्या दिया बारह सो दिया डियर। निकालना है सिक्सटी फोर अपन बारह सो रख दो बारह सो रख दो बस अब चीजें इजी हो जाएंगी आपके लिए देखो इसको छोड़ दो अब ऑप्शन आपको देख के मिल गया होगा कि फाइव किस में दिख रहा है ए में नहीं बी में नहीं सी में नहीं पता है डी ऑप्शन। भाई हैंड, ना तो फाइव में टेन पावर माइनस टू से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा पॉइंट आएगा ना डी चीजें समझ में आ रही है ना देखो कैलकुलेशन ऐसे में कुछ क्वेश्चन ऐसे डालता है अभी क्या अभी कई क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जहां पे आपको सॉल्व लगेगा हो ही नहीं पाएगा कुछ क्वेश्चन जानबूझ आप में आपकी स्ट्रॉन्ग है एप्टिव रीजनिंग तो आपकी कैलकुलेशन फास्ट ऑटोमेटिक हो जाएगी थोड़ा सा इसलिए बोलता हूँ कैलकुलेशन को फास्ट रखने के लिए रीजनिंग एप्टिव स्ट्रॉन्ग अपने आप

चाहे ईयर हो सबकी क्या करते हैं हम लास्ट मेजर करते हैं तो डियर इन चीज़ों को मिल गया सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी तो डियर इस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है जो अपन देश चैप्टर था लेकिन जो इसके आगे चैप्टर वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो हम उस पर क्वेश्चन ज्यादा देखेंगे हाइड्रोलिक मशीन पे वहाँ से क्वेश्चन काफी पूछता है तो उस पर हम लोग को इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना क्योंकि हम लोग का टाइम बड़ा कम बचा हुआ है तो इसको ध्यान में रखते हुए हम उन चीज़ों को टच करेंगे देखो टाइम अगर अपने पास होता ना तो पहले से बहुत सी चीज़ हर एक क्वेश्चन को टच किया जाता बट अब वो टाइम नहीं रहा ना बट जिन लोगों ने पहले से कर रखा वो कर सकते हैं बट अब क्या रिवाइज ज़्यादा से ज़्यादा डियर करूँ तभी मजा आएगा आइए डियर देखते हैं आगे का क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के भैया नेक्स्ट चैप्टर आप लोग का है वहां पे हम बात करेंगे मशीन क्वेश्चन के शानदार काफ़ी है इंपॉर्टेंट आइडियर मशीन की जब बात आती है डर मजा आ जाता है समझ लो इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें आपको मिलेंगी पढ़ने के लिए वहां पे देखो कि देखोगे तो वाकई में कहोगे हाँ कुछ तो अलग मिल ही रहा है कुछ ना कुछ इस चैप्टर में अलग आपको मिलेगा डियर ठीक है ना अब देखो डियर क्या बोला है टू सेंट्रीफ्यूगल पंप है पी और आर दो सेंट्रीफ्यूगल पंप है कुछ उनके दिया हुआ है टेबल बना के दे, दे रखा है और और अवेलेबल फॉर यूज इन अ पाइप फ्लो सिस्टम एंड हेड हेड डिस्चार्ज का दे रखा है देखो हेड दो पंप है पंप पी और पंप आर दो पंप है क्या बिल्कुल पंप पम्पी और पंप आर अब इधर डिस्चार्ज देख रहा है इधर हेड दे रखा है ना डिस्चार्ज देख रहे हो और ये हेड है बिल्कुल अब पंप आर का डिस्चार्ज है और हेड है क्या चीजें सारी चीजें आपको दिख गई क्या डियर बिल्कुल दिख दिखेंगे तो दोनों पंप का डिस्चार्ज भी दे रखा है और हेड भी दे रखा है पंप पी और पंप आर दो चीजें हैं बिल्कुल है डिस्चार्ज भी देखा है और हेड भी दे रखा अब क्या बोला है आर एस करेक्टरिस्टिकॉलोज करेक्टरिस्टिक्स आर एस फॉलोज चीजें डियर क्लियर है क्या बिल्कुल आई थिंक अब क्लियर होंगी अच्छा देखो थोड़ा सा क्वेश्चन को इन्होंने दो पार्ट में कर दिया है थोड़ा सा हमारे जो टीम है उन्होंने क्या किया है इसको दो पार्ट में दो स्लाइड रख दिया है

तीन-तीन स्लाइड में दिया है कोई नहीं तीन स्टेटमेंट दिए हुए हैं S1 डियर S2 और S3 हम तीनों को चेक करेंगे देखते हैं कौन-कौन सा स्टेटमेंट सही है ऑप्शन में क्योंकि S2 S3 S1 सभी है तो हम तीनों को चेक करते हैं क्या सही होगा क्या गलत पहले हम S1 को चेक करते हैं डियर पहले हम फर्स्टली क्या करेंगे S1 को हम चेक करते हैं ठीक है अब S1 बोला है when to pump when to pump P are connected in parallel अच्छा

डिस्चार्ज क्या करेगा वो इंक्रीज कर जाएगा बिल्कुल भाई इस वाले से पंप से भी डिस्चार्ज हो रहा है इस वाले से पहले एक से हो रहा था अब क्या, क्या? कई पंप ने ऐड कर दिया टोटल डिस्चार्ज निकालने के क्या करेंगे हम सभी के डिस्चार्ज को ऐड कर देंगे ओके सभी के डिस्चार्ज को हम ऐड कर देंगे बट हेड हमारा कॉन्स्टेंट हेड में कोई चेंजेस नहीं आएगा इसी जगह सीरीज की कहानी होती सॉरी हाँ पैरेलल सीरीज की कहानी अगर होती है पंप को हम सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं एक लगाया दूसरा लगाया तीसरा लगा सीरीज देखो तो पहला सीरीज में कनेक्ट करने की कहानी कैसे होती है एक पाइप से कनेक्ट किया फिर एक पंप लगाया फिर आगे एक फिर एक एक पाइप फिर पंप पंप सीरीज में लग गया बट एक ही पाइप से कनेक्ट करके दूसरी पाइप उसी से निकाला जैसे कि अगर मान लो ये पाइप है ये पाइप मैंने खींचा अभी इसी से एक पंप इसमें से फ्लो हो रहा है वाटर एक पाइप इधर आई एक पाइप इधर सेकंड पाइप इधर आई थर्ड पाइप इधर आई फोर्थ इधर आई सब में पंप कनेक्ट है ये मेन पाइप थी आपकी अब ये सब पाइपें हैं इन सब में क्या हुआ पंप लग गया तो डिस्चार्ज क्या होगा मतलब कि डिस्चार्ज अब ऑटोमेटिक हमारा इंक्रीज कर जाएगा डिस्चार्ज डियर क्या होगा ऑटोमेटिक अपन का इंक्रीज कर जाएगा बात समझ में जगह सीरीज में होता तो वहां पे क्या होता है डिस्चार्ज कांस्टेंट होता भाई अगर पाइप इतनी मोटी है तो उतने से ही पानी निकलेगा ना चाहे अब उसके आगे हम लगा दिए उसमें क्या करते हैं सीरीज में देख लो ये पाइप यहां मोटर लगी दूसरी पाइप यहाँ मोटर लगी बट डिस्चार्ज तो उसी रास्ते से जाएगा ना तो बट यहाँ इंक्रीज कर जाएगा यहाँ हेड को निकालने क्या करेंगे कर तो पॉइंट्स आई थिंक क्लियर हो गया होगा ये कहानी समझ में आ गई थी क्वेश्चन हलवा कुछ नहीं है अब देखो क्या बोला स्टेटमेंट वन वेन टू कनेक्टेड इन पैलल कनेक्ट बोला ठीक है पैरेलल बोला है ओके भाई अब कुछ कहानी दिया है उस वैल्यू अकॉर्डिंग देखेंगे क्या वैल्यू सही है क्या डिस्चार्ज पॉइंट थ्री सिक्स क्यों करस्पॉन्डिंग टू आई हेड थर्टी फाइव तो बोल रहा है कि जो डिस्चार्ज पॉइंट थ्री सिक्स पे करस्पॉन्डिंग हेड थर्टी थर्टी फाइव हो रहा है क्या फैल पे पॉइंट थ्री सिक्स पे डिस्ट जो इसका दे है पॉइंट पे की करस्पॉन्डिंग टू आई हेड थर्टी फाइव क्या इतना हो रहा है चलो देखते हैं छत्तीस थर्टी फाइव पॉइंट थ्री सिक्स और थर्टी फाइव अब देखो पॉइंट थ्री सिक्स डिस्चार्ज पॉइंट थ्री सिक्स अब पॉइंट थ्री सिक्स वाले पे यहाँ पे कितना डियर ट्वेंटी है।, है।, है तो आई थिंको क्लियर हो गया यही नहीं हो सकता है ना चीजें क्लियर हो रही है क्या? में 35. कितना बोला पॉइंट थ्री सिक्स दो तो चीजें डियर यहाँ से क्लियर हो रही है यहाँ पे कितना था पॉइंटी वन था वो चीजें क्लियर हो गई अब नेक्स्ट स्लाइड में देखो और भी दिया ना क्योंकि तीन पार्ट में टोटल दे रखा डियर टोटल अब देखो अब यहाँ पे क्या था कि 0.14 पे 40 था 0.45 तो 0.36 कितना मिला आपको 35 मिला क्या नहीं मिला 21 मिल रहा है तो ये चीजें क्लियर है आपको कि करस्पोंडिंग टू अहेड 35 मीटर पे ये तो नहीं हो सकता तो s1 नहीं सही है अब नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट ईयर पी और आर कनेक्टेड इन पैरेलल द डिस्चार्ज पॉइंट 36 q में करस्पोंडिंग मीटर, में है तो corresponding head जो होगा 70 होगा। मीटर इस चीज को देखो बताओ क्या क्या बोल रहा है करना है आपको? आपको जब तक इन चीजों को नहीं समझोगे आएगी आएगी। ही आएगी। तो थोड़ा सा ध्यान के ही करना चीजों को तब क्लियर हो जाएगा और फिर कंफ्यूजन भी आपको दूर हो जाएगा चीजें क्या कुछ समझ में आ रही है क्या पी और क्यू दो पंप है डियर। पी और क्यों दो दो पंप है चलो अब एक बार फिर से क्वेश्चन

क्या इतना आता है अगर हम डिस्चार्ज पे चेक कर ले इतना हिड़ा रहा है तो क्लियर हो जाएंगी अब उस वैल्यू पे मत जाओ देखो आपकी वैल्यू इसके अकॉर्डिंग आ रही कि नहीं इन्होंने कितना कितना दिया पे अब यहां था 6 पे लिखा नहीं इसका मतलब ये भी हो सकता है कितना है पॉइंटीन और ट्वेंटी वन बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कहेंगे दिया हुआ हो ही नहीं पाएगा और चेक करो क्या वैल्यू आ रही है क्या क्या वैल्यू आ रही है क्या कि पॉइंट थ्री सिक्स यहाँ पे हेडियर पॉइंट थ्री सिक्स यहाँ पे है और यहाँ पे पॉइंट टू फोर है बिल्कुल है ना है ना

कि डिस्चार्ज पॉइंट तो थ्री पे कितने अगर लाओगे तो कन्फ्यूज रहोगे कभी भी हेड पे लेके मत जाना थर्टी फाइव पे नहीं तो वहीं पे घुस जाओगे पॉइंट टू फोर है बिल्कुल अब और देखो कि थर्टी फाइव पे कहीं और दे रखा क्या डिस्चार्ज नेक्स्ट पे देखो एक्चुअली तो दो स्लाइड में उन्होंने क्वेश्चन कर दिया ना इस थोड़ी तो प्रॉब्लम है 35 पे देखो यहाँ पे भी पी वाले पंप पे 0.12 है बिल्कुल 0.12 है बस और पॉइंट 12 और पॉइंट 24 टोटल डिस्चार्ज कितना आ जाएगा टोटल क्यों टोटल कितना आ जाएगा पॉइंट 0.36 आया 0.36 आया बिल्कुल कितने हेड पे 35 मीटर पे s1 अभी तक लग रहा था रॉन्ग था

तो हो कर लिया तो ये राउन ठीक है अब एस वन के साथ कौन कौन सा ऑप्शन देखो जिसमें बी नहीं हो सकता है और डी भी नहीं हो सकता है एक ही ऑप्शन बचा चेक करने की आगे जरूरत भी नहीं है बट हम चेक कर लेंगे ऑप्शन सी तो करेक्ट होगा पहले ही जान लो एस थ्री चेक कर लो सीधे पी और आर आर कनेक्टेड इन सीरीज अब सीरीज में कनेक्ट बोल रहा है पी और आर द डिस्चार्ज 0.3 क्यूमे पर सेकंड करस्पोंडेंट टू हेड 46 मीटर तो 46 मीटर पे हेड पे हेड अगर 46 होगा तो डिस्चार्ज 0.3 इतना होना चाहिए इस पे हमें चेक करना कितने पे डियर 0.3 क्यूमे पर सेकंड पे हमें चेक करना है आइए देखते हैं ये 46 रहेगा वो 0.3 इस पे हम देखते हैं डियर इस पे निकालने की कोशिश करेंगे ठीक है ना तो डियर एक बात देखो 0.3 फिर हमें चेक करना है पॉइंट थ्री पे चेक करना है और वैल्यू कितनी आनी चाहिए फोर्टी सिक्स पॉइंट थ्री फोर्टी सिक्स अब देखो यही बोला पॉइंट थ्री कहाँ पे है एक तो यहाँ पे है ठीक है कोई दिक्कत नहीं अब पॉइंट थ्री इसमें तो है नहीं भाई डिस्चार्ज है ना तो पॉइंट थ्री कैसे आएगा पॉइंट टू फोर और पॉइंट का एवरेज ले लो इन दोनों का एवरेज लोगे कितना आ जाएगा चौबीस छत्तीस साठ बाई टू पॉइंट थ्री आ गया अब जब काम ना बने तो क्या करते हैं हम एवरेज ले लेते हैं क्या करते हैं हम डियर एवरेज ले लेते हैं अब उधर का भी एवरेज ले लिया आपने तो चीजें यहाँ से इजी कुछ हो गई ना अगर उधर पैंतीस और इक्कीस करोगे इक्कीस तब कितना आएगा पैंतीस और इक्कीस को तीस पचास पचास और पाँच और एक छः कितना हो जाएगा भाई पचास छप्पन हो गया ना छप्पन का हाफ कर दो कितना आएगा अट्ठाईस यहाँ पे इसका भी कर लोगे ट्वेंटी एट चीज़ें इजी हो गई क्या मतलब इतने पॉइंट थ्री पे क्यों ये लिया पता नहीं कि एवरेज क्यों लिया क्योंकि डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू नहीं दी थी ना इसलिए मैंने पॉइंट थ्री पे ट्वेंटी एट लिया 28 आ गया और पॉइंट थ्री एटीन ट्वेंटी और एटीन को ऐड कर दो क्योंकि सीरीज बोला है सीरीज में हेड क्या होगा इंक्रीज कर जाएगा तो टोटल कितना हो जाएगा आपका डियर जो आएगा हेड 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 लेना डियर हेड़. हमें हेड़, दिखाना हेड़, टोटल टोटल हेड जो डियर आया होगा वो आपका आएगा एटीन प्लस ट्वेंटी प्लस ट्वेंटी आ जाएगा डियर एटीन प्लस ट्वेंटी दस तीस अठी तो चीजें क्लियर यहाँ से हो गई क्या आई थिंक अब कुछ चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी और समझ में भी आया होगा है कि नहीं भाई तो चीजें आपको यहाँ समझ में आई तो टोटल टोटल वैल्यू आ गई क्या देख लो अट्ठाईस और अठारह बीस दस तीस अठा सोलह फोर्टी सिक्स टोटल वैल्यू आ गई ना बस यही तो पूछा था तो ऑप्शन से चीजें क्लियर हुई देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया था थोड़ा घुमाया था बट कुछ था नहीं एक ऑप्शन आपने देख लिया था तभी आंसर आपको मिल गया था बट ध्यान देना है तीन तीन स्लाइड में क्वेश्चन ना होता तो आपके लिए थोड़ा आसान होता ठीक है ना कोई बात नहीं होता है कभी कभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बोला है पेल्टन व्हील इज टू बी डिजाइन फॉर अ पिच डाया कितना दिया फन मीटर एंड जिड डाया दिया नंबर ऑफ बकेट्स निकालना है ऑन रनर कंप्यूटेड बाय टैगोन्स फार्मूला एक फार्मूला होता है नंबर ऑफ बकेट निकालने का टैगोन्स फार्मूला उस फार्मूले को पहले लिख देते हैं एन इक्वल टू 15 प्लस कैपिटल d बाई 2d जो कैपिटल d है ये आपका डाया है कौन सा पिच डाया और स्मॉल d जेड डाया है इस पे वैल्यू रखो और आंसर पाओ 15 प्लस कैपिटल d कितना डियर वो आपका है 1 मीटर और यहाँ भी कितना है 0.1 मीटर बिल्कुल 0.1 मीटर ठीक है ना कैपिटल d वो 1 है और ये आपका 0.1 मीटर 2 upon 1.1.2 कर दिया कोई प्रॉब्लम आई थिंक तो नहीं होनी चाहिए अब यहाँ पर डियर ये 15 था बस और ये अपन करेंगे तो 5 आ जाएगा भाई टाइम 5 हो गया बिल्कुल 5 तो हो ही जाएगा आंसर आपको मिल ही गया होगा 15 बच्चे-बच्चे को -बच्चे पता है कितना होता है आंसर ए इज करेक्ट कुछ था फार्मूला केवल पता होना चाहिए बस फार्मूला का 50. n नंबर ऑफ ब्रैकेट n equal to 15 t 2d डी कैपिटल क्या है वो आपका पिच पिछड़ा और स्मॉल डी क्या है वो चट डाया है। बस इसी को ध्यान रखना डिया। बस इसको ध्यान रख लिया ना मजा आ जाएगा यार अब यार क्या बोला है ओवरऑल इफिशंसी निकालना है किसका पंप की देखो पंप और टर्बाइन दो चीजें आती है कि भी किसी भी चीज की क्या होती है आउटपुट अपॉन इनपुट आउटपुट अपॉन इनपुट समझ लो ऊपर जो होगा वो लेस होगा नीचे क्या होगा स्मॉल अपॉन बिग हमेशा करना कभी वन से ज्यादा नहीं हो सकती ना इसलिए तो रखना आउटपुट अपॉन इनपुट होता है ना बिल्कुल तो यहाँ पे क्या है डियर ऑरफिशिय हमेशा कम होती है तो समझ लेना कुछ कॉन्सेप्ट कौन सा लगा के अब यहाँ पे क्या फार्मूला आएगा डियर उसको ध्यान रखो सेंट्रीफ्यूगल पंप है कौन सा पंप है डियर सेंट्रीफ्यूगल पंप इसको ध्यान रखना है पंप के लिए कौन सा फार्मूला लगाना है पंप जब बोला है तो वहां पर पावर कौन कौन सी आती है साफ्ट पावर आती है और आपकी वर्क पावर आती है मतलब वाटर पावर तो वाटर पावर तो आएगी आएगी सॉफ्ट पावर आएगी सॉफ्ट पावर पहले आएगी या लास्ट में आएगी अब मोटर अगर है पंप है वो तो पहले वो तो एक तरीके से इनपुट हो गया ना बिल्कुल वो इनपुट है इनपुट को नीचे रखना आप इनपुट नीचे रखना और जो आउटपुट है उसको ऊपर रखना तो ऊपर क्या करेंगे हम ओवरऑल इफियंसी रखने के लिए ऊपर ऑल एफिशियंसी के लिए क्या होगा अपन का एम पी उसको डिनोट करना और नीचे और एस पी एम पी और एस पी दिस इज शॉर्ट पावर एस पी मीन शार्ट पावर एम पी को ऑप्शनल में हम लिखते हैं वर्क पावर भी लिखते हैं डब्ल्यू पी भी लिख देते हैं ठीक है ना या फिर एमपी लिख दो पावर तो यहां से वैल्यू पुट अप करो और आंसर अब क्या गया आउटपुट पावर देखो दे रखा है किलोवाट दे रखा है ना बिल्कुल अब यहाँ हेड दे रखा है और डिस्चार्ज दे रखा है अब इस पावर को निकालने के लिए फार्मूला आपको पता होगा रोजीएच आपने फार्मूला बहुत सुना होगा रो जी एच अब रोजीएच क्या होता है ये ये प्रेशर है हेड दे रखा है अब डिस्चार्ज अगर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या फर्क पड़ जाएगा तो अच्छा, ना अब रो जी एच तो हो गया डियर रो जी एच आया क्या कोई कंफ्यूजन नहीं आया यहाँ तक तो नहीं होना चाहिए इन सब फार्मूले को लगाओगे खुद, खुद आपको मिलती जाएगी रो जी एच है अब ये एरिया है, है ना बिल्कुल

ओके इसके बाद टेन पावर थ्री और अपन जी की वैल्यू टेन ओके भाई टेन कर दो एच कितना दे रखा दियर? एच इन्होंने ट्वेंटी दे रखा है क्यों कितना दे रखा दियर? क्यों दे रखा है इन्होंने पॉइंट जीरो, फोर, जीरो, फोर, जीरो फोर, आउट कर लो और आंसर पा जाओ कोई कन्फ्यूजन है क्या नहीं है ना इन सबको शॉर्ट आउट करो डिवाइड करो वैल्यू खुद तो खुद मिल जाएगी कुछ ईजी है कुछ टफ नहीं है फिर कुछ करना नहीं होता इन सब टाइप क्वेश्चन में केवल थोड़ा ध्यान देना होता है और चीजें आपके लिए आसान हो जाती है अब यार क्या बोला नेक्स्ट देखो नेक्स्ट इन्होंने क्या बोला थोड़ा दो यार। ये है क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है थोड़ा दो तभी आएगा इंक्लाइंड प्लेन डियर कौन सा प्लेन इंक्लाइंड प्लेन बोलाडियर इंक्लाइंड प्लेन बोल रखा है

एक इंक्लाइंड प्लेट है पहले तो क्या बोला है इंक्लाइंड प्लेट की बात किया ना इंक्लाइंड है ठीक है ना अब कितने पे है ये हमें नहीं पता है बेस पे मान लो हमने बेस बना दिया ये बेस पे है।, है, ये है इस पर ही हम क्या करेंगे जेट डालेंगे इस पे ही हम जेट डालेंगे डियर। ठीक है ना इस पर ही हमारी जेट जाएगी जेट मतलब पानी की और कुछ नहीं हम इस पर डालेंगे अब लेकिन इस प्लेट पर जो डालेंगे एंगल बिटवीन जेट जेट और प्लेट के बीच में एंगल कितना है उसको कितना 60 सिक्सटी डिग्री तो हम सिक्सटी डिग्री पे वाटर को डालेंगे सिक्सटी डिग्री पे वाटर को हम डालेंगे तो सिक्सटी डिग्री पे अगर हम देखें अब ये इतना है भाई ना बिल्कुल तो कुछ ऐसा एंगल जाएगा क्या ऐसा कुछ एंगल बन सकता है बिल्कुल कुछ ऐसे एंगल जाएगी एंगल तो कितना यार ये एंगल सिक्सटी है अब क्या पूछा परपेंडिकुलर फोर्स टू फ्लो एक्सर्टेड जो परपेंडिकुलर फोर्स है उसकी बात किया डियर परपेंडिकुलर फोर्स टू फ्लो एक्सर्टेड बाय अ जेड बाय अ जेड अब इस प्लेट प्रेड़ का परपेंडिकुलर आप निकालो लाइन प्लेट प्रेड़ के परपेंडिकुलर तो कुछ ऐसा जाएगा डियर इस प्लेट के देख रहा परपेंडिकुलर इस प्लेट के प्रेड़िक परपेंडिकुलर हो गया बिल्कुल ये परपेंडिकुलर हो गया दिस इज 90 डिग्री

रो ए को शायद चाहे आप इस फॉर्म लिख सकते हो एम डॉट इंटू वी एम डॉट इंटू वी इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हो रो ए वी स्क्वायर ठीक है ना अब रो ए वी स्क्वायर डॉट तो पता ना कैसे होता है डॉट की वैल्यू क्या होती है आपको पता ही होगा चीजों को सॉर्ट आउट कर सकते हो इसी है कुछ है नहीं बेलास्टिक फॉर्म में किया बस और क्या भाई रो अगर इसको करोगे एम रो इन टू वी होता है ना रो एन टू वे बस वहीं से हमने किया है रो इन टू वी कर लिया इसका फिर और कर दिया करते जाओ चीजें मिल जाएंगी आसान होती हैं

रो ए वी स्क्वायर साइंस सिक्सटी ये क्यों आया डियर पता चल रहा है क्या भाई अगर इसको रिजॉल्व करोगे हॉर्डेंटली इधर तो और वर्टिकली करोगे तो आपका आ जाएगा साइंस ठीक है ना ये पॉइंट्स इसलिए लगा दिया अब रो की वैल्यू पुटअप करोडियर बिल्कुल रो की वैल्यू पुटअप कर दोगे रो की वैल्यू उन्होंने दे रखा होगा या फिर नहीं दिया वाटर दिया तो पता ही टेंट पॉल थ्री होता है रो की वैल्यू नहीं दिया कोई बात नहीं एरिया दिया है क्या बिल्कुल एरिया दे दे रखा है, इन्होंने एरिया इसको रखो, विलाश्टी रखो, विलाश्टी दे रखा है है इन्होंने इन्होंने इसको रखो रखो वगैरह करोगे तो आपकी जो आएगी 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 वो से ज्यादा के आसपास जो कि कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है ये जो क्वेश्चन मतलब कि ऑप्शन के हिसाब से देखोगे तो रॉन्ग है क्वेश्चन में तो कुछ चेंज किया जाए इसलिए सस्सी का ये क्वेश्चन रॉन्ग था बट कोई नहीं पूछा गया था तो हम लोग बताएंगे बताएंगे समझ में आएगी चीजें उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन में सही दिया था ऑप्शन क्या दिया सही सही दिया दिया डी ऑप्शन था क्यों उन्होंने क्या किया था ना देखो ऑप्शन क्या है न्यूटन में है ऑप्शन क्या न्यूटन में है जो वैल्यू आ रही है न्यूटन पर सेकंड में आ रही है तब जाके ये ऑप्शन सही आएगा और ये फार्मूला तब नहीं लगेगा डियर फार्मूला तब ये नहीं लगेगा इसीलिए कन्फ्यूजन में क्वेश्चन था ये ठीक है ना तो ये चीजें रॉन्ग थी तो कोई ऑप्शन सही नहीं है ठीक है ना अगर इसके अकॉर्डिंग चलोगे तो न्यूटन पर सेकंड अगर होता तब जाके वैल्यू लग जाती

टोटल डिस्चार्ज कितना दिया थ्री दिया है ना टोटल डिस्चार्ज अब टोटल डिस्चार्ज इन्होंने दे दिया बिल्कुल अब पूछा है नंबर ऑफ जेट्स कितने होंगे अच्छा एक बात ये बताओ अगर टोटल डिस्चार्ज हमारा थ्री है अब हम पर डिस्चार्ज में देखें कितना हो रहा पर डिस्चार्ज एक जेटार्ज क्या होता? क्यों? A v होता है एरिया कितना दिया, इन्होंने दिया है एरिया सेवन सॉरी पॉइंट टू जीरो डिस्चार्ज आ गया ये वन जेड की आई है वन जेड की आई है अब टोटल डिस्चार्ज इन्होंने थ्री दिया है अगर हम वन जेड वाले से डिस्चार्ज डिवाइड करें तो पता चल जाएगा ना कि कितना नंबर ऑफ जेट्स रिक्वायर्ड होगी भाई टोटल पानी अगर इतना है किसी में दस लीटर है हमने एक जग पानी निकाल लें एक बार में एक लीटर निकाल रहे हैं अगर दस बटा एक कर देंगे तो आ जाएगा ना दस बार करेंगे या फिर एक बार में दो लीटर निकाल रहे हैं तो टेन को डिवाइड डिडे फाइव आ जाएगा डिवाइड ही किया ना बस वही करना है थ्री और पॉइंट जीरो करोगे पॉइंट तो वैल्यू कितनी आ गई दूना होता है ना बस वन पॉइंट फाइव आ गया वैल्यू मिल गई ना डियर टू तो, क्लियर हो गया पॉइंट्स ऑप्शन बेस करेक्ट तो चीजें यार ऐसे ही आती हैं कुछ और टफ नहीं आता ना बस थोड़ा सा कॉन्सेट आपको लगाना होता है समझना होता है चीज़ें आसानी द तो फ्लो रेशियो पूछा यार क्या पूछा फ्लो रेशियो फ्लो रेशियो कितना होता है फ्रांसिस टर्न के लिए फार्मूला होता है डियर एक फार्मूला आप याद रखो बस इसके बाद फैलो लगा दो जो फ्लो होता है डियर कितना होता है वी होता है ना बस ऊपर वी रखो अपान अंडर टू जी कर दो बस वैल्यू खुद बेखुद मिल जाएगी वेलोसिटी दे रखा होगा बिल्कुल दे रखा है सेवन मीटर पर सेकंड अंडर रूट टू जी एच की वैल्यू पता है टेन दे रखा है कोई नहीं टेन कर दो तो, एच है बिल्कुल डियर एच हेड देखा है सिक्सटी टू तो बासठ है और दस है छ सौ बीस आएगा डियर बिल्कुल छः सौ बीस चीजें यहाँ तक क्लियर हो रही है ना डियर बस अब ऑप्शन देख लो कुछ कर लो नियरली अबाउट में जो आया जाए उसको बता दो अब भाई अगर ये सिक्सटी टू है टेन से मल्टीप्लाई कर दिया है सेवन पर तो बासठ कितना होता है वन ट्वेंटी फोर होता है क्या डियर बिल्कुल वन ट्वेंटी फोर होता है अच्छा ये बताओ आप ये बारह सौ चालीस है अब बारह से चालीस का अगर स्क्वायर रूप लोगे आप तो कहीं ना कहीं थर्टी से ज़्यादा और फोर्टी से कम आएगा तो अगर हम थर्टी फाइव के आसपास लेके चलें तो सेवन और नियरली अबाउट बात कर रहे हैं वन थर्टी फाइव वन थर्टी फाइव चलेंगे ठीक है ना डियर तो वन फाइव वन पॉइंट फाइव आएगा वन पॉइंट फाइव करोगे तो पॉइंट टू के ऑप्शन आंसर तो आएगा कोई ऑप्शन दिख रहा है ऑप्शन डी ये नियरली अबाउट वाला लेके चले हम रीजनिंग कर रहे हैं कुछ और नहीं एक्ज आंसर नहीं निकाला हमने की कैलकुलेशन एक्जेक्ट नहीं किया हमने देखा कि उसके आसपास कुछ आएगा एक्जैक्ट वैल्यू पॉइंट टू समिंग कुछ आएगी बट ऑप्शन में जो दिया हमें उससे मतलब बस यही करना होता है एग्जाम में यही करना होता है चीजें कुछ समझ में आ रही है कैसे कैलकुलेशन करते हैं कैलकुलेशन फास्ट करने का कुछ तरीका होता है वो थोड़ा आप प्रैक्टिस करोगे अपने आप चीजें क्लियर हो जाएंगी डियर देखो नेक्स्ट बात क्या कर रहा है दिया है इन्होंने सीट्स वगैरह कुछ हेड वगैरह दे रखा है तो क्वेश्चन हमारे हिंदी इंग्लिश दोनों में रहते हैं तो इसलिए आपको कंफ्यूजन कुछ हुआ नहीं थ्रीफिकल पम्पेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट एंड ईट कैपेबल कहा होगा वो इंक्रीज करेगा कितना हो जाएगा टोटल सबको एड कर देना सबका क्यों 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 थ्री क्यों होगा थ्री क्यों ऑप्शन किस में है बीसीडी में तीनों में बीसीडी थ्री क्यू थ्री क्यू थ्री क्यू बट हेड क्या होगा हेड तो कॉन्स्टेंट होगा किस में है हेड कांस्टेंट आपका एक तो ऑप्शन बी और सी दोनों में दे रखा गया तो देखो बी सी में अगर दोनों में दे रखा है तो कोई एक लेना है चाहे अच्छा जो ले लो क्योंकि बी सी दोनों में दे रखा है ये मिस्टेक है बी सी दोनों में नहीं हो सकता है किसी एक में होगा ना वैसे हम बी लेते हैं मुझे लगता है कि सी में टाइपिंग कुछ क्योंकि स्पेस यहाँ खाली है ठीक है ना चीजें इजी हुई क्या टफ है नहीं यार टफ नहीं है इफ अ प्लांट विच कैपेसिटी टेन थाउजेंड प्रोड्यूस फोर्टी फोर लाख है किलो वाट पर आवर दे रखा ना डियर देखो यहाँ भी एक छोटी सी मिस्टेक है क्या कैपेसिटी यहाँ ऑफ हाइड्रोलिक हाइड्रोलिको इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी बट हिंदी वाले में देखो सही दिया है वैसे मोस्टली इंग्लिश सही होता है यहाँ पे हिंदी वाला सही है सौ घंटे ये वर्ड दिया नहीं है टाइमिंग कितना कितने घंटे चलता है सौ घंटे हमें निकालना क्या हाइड्रो इलेक्ट्रिटी कैपेसिटी हमें निकालना हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी ियर हमें इसको निकालना हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी तो डियर एक फार्मूला होता है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इक्वल टू एवरेज लोड डियर कितना एवरेज लोड निकालना होता है हमें एवरेज लोड एवरेज एवरेज लोड लोड डियर को क्या करते हैं हम डिवाइड करते हैं डियर किससे डिवाइड करते हैं जो प्रोड्यूस कैपेसिटी होती है उससे जो कैपेसिटी प्रोड्यूस होती है हम उससे डिवाइड कर देते हैं जो कि दे रखा होगा यहाँ पे प्रोड्यूस्ड कैपेसिटी प्रोड्यूस्ड कैपेसिटी ओके okay, इसे डिवाइड कर दो चीजें आपको मिल जाएंगी और आसान हो जाएंगी और कोई कंफ्यूजन नहीं होगा अब एवरेज लोड देखो प्रोड्यूस कैपेसिटी उन्होंने कितना दे रखा है ए प्लांट कैपेसिटी बिल्कुल ये रख देंगे नीचे अब एवरेज लोड डियर एवरेज लोड का देखो एवरेज लोड की कहानी ये है कि इसको निकालने के लिए एवरेज लोड जितना एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उसको टाइम से डिवाइड कर दो प्रोड्यूस एनर्जी प्रोड्यूस्ड एनर्जी एनर्जी अपॉन टाइम तो प्रोड्यूस एनर्जी कितनी हो जा रही है फोर्टी टाइम तक सौ घंटे तक तो आप क्या करो फो फोर लाख कर दो थ्री फोर फाइव तीन टू पांच जीरो हो गया बिल्कुल अब इसको हंड्रेड से डिवाइड कर करिएगा क्योंकि ये है ना ये अपन का आ गया एवरेज लोड ये आ गया एवरेज लोड अब इसको क्या करो प्रोड्यूस कैपेसिटी कितनी है अपन बस हो गया

देखो इस टाइप क्वेश्चन हमने पहले भी लगाया था बट यहां क्यों डारे फार्मूला पूछा है रेशियो ऑफ पावर अवेलेबल एट द शाफ्ट शाफ्ट की पावर ऊपर होगी बोलना है टू द पावर सप्लाइड बाय वाटर साफ्ट की पावर ऊपर कर दिया और पावर सप्लाइड बाय वाटर एट इनलेट आफ्टर माइन शाफ्ट पावर अगर ऊपर होगी और वाटर पावर नीचे इसको हाइड्रोलिक पावर बोल देते हैं हम नीचे तो ये कौन सी एफिशिएंसी है ओवरऑल इफिशियंसी कौन सी efficiency है टर्वाइन की ओवर ऑल डियर चीजें क्लियर हो गई ऑप्शन सी इज करेक्ट कई इफिशंसी होती है मैकेनिकल एफिशियंसी होती है टर... होती है हाइड्रोलिक वॉल्यूमेटिक वॉल्यूमेट्रिक आपको यूज नहीं कहीं पे केवल हाइड्रोलिक और मैकेनिकल की जरूरत पड़ती है बट जो साफ और हाइड्रोलिक करोगे तो आपको क्या आ जाएगा वो आपका ओवरऑल इफिशियंसी डियर आ जाएगा चीज़ें यार क्लियर हो रही है मज़ा तो आ रहा होगा ना

कितना होगा हम इसकी बात जानकारी रखनी चाहिए इफ द डाया फाइव हंड्रेड बात इसकी क्लियर हो रही थी

हेड के स्क्वायर रूट की करोगे अब यहीं से कहानी हुआ इन्होंने बोला है कि सेम स्पीड पर कर रहा है तो एन तो कांस्टेंट एन की वैल्यू हम लेंगे नहीं हम डी रूट अगर एच करें ऐसी की कोई जरूरत नहीं है ऐसे रहने दो डी वन बाई डी टू कर दो इक्वल टू स्क्वायर रूट एच वन अपॉन एच टू निकालना क्या है इसको देख लो इन्होंने दे रखा है कि जो टू इज एटलीस्ट सेम पंप्स स्पीड और

एम्पलर ऑफ़ सेकंड पंप अच्छा सेकंड का निकालना है बिल्कुल डी टू यार देखो एक काम करो डी टू ऊपर कर दो और ये अगर आप करोगे वन पॉइंट फाइव अपॉजिट कर दो ना वन पॉइंट फाइव स्क्वायर रूट के अंदर रखो बस फाइव हंड्रेड मल्टीप्लाई कर दो पता चल रहा कैसे कर रहे हैं ना अब तो चीज़ें आसान हो गई होंगी वन पॉइंट फाइव अगर आप स्क्वायर रूट करोगे टू तो से कम है तो वन का तो वन होता है टू का है वन पॉइंट फोर होता है तो इन दोनों के बीच में कुछ होगा तो वन पॉइंट टू समथिंग आस पास चलो तो वन पॉइंट टू समिंग अगर लेके चलोगे आप तो आपको पता है ऑप्शन बारह पंचाय साठ कितना कौन सा ऑप्शन दिखेगा आपको पाँच सौ के ऊपर कौन कौन सा ऑप्शन है एक ऑप्शन केवल दिख रहा है नहीं दो ऑप्शन देखो सी बी यही तो कुछ हो सकता है ना तो ऑप्शन सी लगाना क्यों पाँच सौ एग्जैक्ट नहीं होगा क्योंकि यार वन पॉइंट टू के आसपास से कम तो नहीं आएगा वैल्यू वन पॉइंट टू तो बारह पंच साठ तो ऐसे हो जा रही है तो वहाँ से समझ जाना तो वैल्यू उसके पाँच सौ तो नहीं होगी क्योंकि अगर हम वन लेते तब पाँच सौ होता

स्पेसिफिक स्पीड ऑफ सेंट्री पंप फार्मूला डियर याद रख लेना बस इसके बाद चीजें क्लियर अब पंप है और टर्बाइन दोनों की स्पेसिफिक स्पीड आती है पंप वाले में क्या करते हैं हम रूट क्यों रहता है अब टर्बाइन वाले में क्या होता है वहाँ पावर होता है रूट पी के होता है बस इतनी कहानी है डियर इतनी ही कहानी है हमें है तो एन रूट क्यों रखो एच एम लेना हेड पावर थ्री बाई फोर बस इसको करो आंसर पा जाओ डियर क्या आप बोला है चीजें आसान है टफ नहीं है ठीक है ना अब डियर देखो एन की वैल्यू दे रखा कितना दे रखा है एन इन्होंने एन दिया है डियर इन्होंने rpm 725 725 किया बिल्कुल रूट q किया रूट q कर दो यार रूट q की वैल्यू कितना दे रखा है 44 ओके मैनोमेट्रिक हेड 36 36 पावर 3/4 अब देखो कैलकुलेशन आपको टफ दिखेगा कैलकुलेशन खेल है यहाँ में कुछ था नहीं का खेल था अब एस था सी जी, कुछ क्वेश्चन ऐसे देता कि जिससे कि आपको कंफ्यूजन हो आप टाइम वेस्ट हो बट अगर कैलकुलेशन फास्ट है करो, छोड़ दो। वैसे, लगा के इस कर सकते आप हडी स्क्वायर करो कितना आएगा सिक्स का स्क्वायर आप करोगे तो यहाँ पे थ्री बाई टू आएगा कितना थ्री बाई टू आएगा ना थ्री बाई टू हो गया अब यहाँ बचा सिक्स ऊपर बचा थ्री बाई टू यही तो हुआ ना थ्री बाई टू रहा अब अगर थ्री बाई टू को देखा जाए तो क्या है थ्री बाई टू मतलब वन पॉइंट फाइव उससे कुछ कम हो गए वैल्यू ना तो अगर थ्री बाई टू करोगे तो वैल्यू सार्ट आउट करने के बाद यहाँ फोर्टी फोर है सबको जब शार्ट आउट थोड़ा सा करोगे कुछ आइडिया लगाओगे तो वैल्यू आप ही कहीं ना कहीं जाके मिलेगी थ्री ट्वेंटी सेवन के आस पास वैल्यू मिल जाएगी वो कैसे करोगे ये सात सौ है अब ये वैल्यू कुछ आएगी यहाँ पे जस्ट हाफ रहेगा मतलब कि सिक्स का अगर आप करोगे तो वैल्यू कुछ कम आ जाएगी बस वहीं से आप निकाल लोगे एडिये करके वहीं से चीजों को आप इजली निकाल लोगे और आपके लिए कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी तो करोगे हाफ तो तीन से ज्यादा वैल्यू आएगी और साढ़े तीन सौ नहीं आना है उससे कुछ कम ही रहेगा तो ऑप्शन सी आपको मिलेगा डियर ठीक है ना अब भाई बात करो नेक्स्ट बीच ऑफ करेक्ट कौन सा स्टेटमेंट में करेक्ट है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है पंप्स कनेक्टेड इन पैलल आर हेड बस वही कहानी पैरेलल और सीरीज की चल रही है अगर पंप्स पैरेलल में कनेक्टेड हो क्या बूस्ट करता है हेड को बूस्ट करता है भाई अगर पंप में करेक्ट है तो हेड तो नहीं होता हेड तो रहता है अपन क्या होता है बूस्ट तो और सीरीज में है तो आपका क्या बूस्ट होगा ऑप्शन बी तो सही है और तो कोई सही हो नहीं सकता एक ही देखना है पंप आई दर है ऑप्शन बी इज करेक्ट क्लियर अब यार नेक्स्ट बात करें ड्राफ्ट ट्यूब ड्राफ्ट ट्यूब कहाँ लगता है पता है ना आपको कौन सा टर्बाइन लगता है ये भी पता होगा आपको वगैरह करते 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 हैं 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 करने के लिए होता है जब टर्न ट्रेन लेस से ऊपर होता है तो हाँ पे लगाते हैं जिससे वगैरह की ना आए ठीक है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट क्या होता है इज एब और बिलो वाटर सरफेस डि ऑलवेज एब वॉटर सरफेस तो ड्राफ्ट ड्राफ्टिव कहां रखते हैं ऑलवेज इमस्ट इन वॉटर बिल्कुल जो ड्राफ्ट ड्राफ्टिव होता, होता है वाटर में इमस्ड होता है इमस्ड होता है जिससे कैविटेशन ना बन पाए ऑप्शन सी इज करेक्ट नेक्स्ट इन सिस्टम फोर फोरबे इज यूज एट द जंक्शन यार देखो जब हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होता है वहां पे हाइडल सिस्टम की बात कर रहा हैं ना फोरबे लगा होता है फोर फोरवे

ट्रेललेस चैनल एंड पेन स्टोक ए भी रॉन्ग अभी बात समझ में आ जाएगी ऑप्शन बी सही है पावर चैनल ओपन चैनल बोलते हैं इसको चैनल के बाद क्या होता है डियर आपका फर्स्ट में चैनल होगा आपका उसके बाद आपका होगा फोर वे उसके बाद आपका डियर क्या होगा पेन स्टोक बोलता है उसके जस्ट बाद आपका ट्रेललेस वगैरह होता है तो मतलब फर्स्ट में क्या है डियर फोर वे देखो पहले लिख ही दें थोड़ा सा कन्फ्यूज हो गए वे इसके बाद आपका पेन स्टोक इसके बाद पेनस्टोक ठीक है ना डियर पेन स्टोक ठीक है पेन स्टोक हो गया और आपका इधर क्या है ओपन चैनल चैनल क्यों लिखता हूँ डायरेक्ट में चैनल फोर बे पेन स्टोक इसके बाद आपका टिल रेस वगैरह है ठीक है ना ठीक है डियर टिल रेस तो फोर बे किसके जंक्शन पर होता है चैनल और के तो ऑप्शन बी इज करेक्ट

अभी इसके पहले मैंने फार्मूला लगाया था किसके लिए वो पम के लिए था अब यहाँ किसके लिए पूछा टर्बाइन के लिए तो टर्बाइन के लिए डियर एन एस है एन लेना आप टर्बाइन है यहाँ पावर जाएगा रूट पी इसको अपॉन करना हेड लेना फाइव बाई फोर बस लगा दो और आंसर पा जाओगे डियर एन की वैल्यू कितना दे रखा है एन की वैल्यू उन्हें दे रखा होगा आपको थ्री हंड्रेड आर पी एम बस थ्री हंड्रेड आर पी एम करो रूट पी रूट पी भी दे रखा है पावर देखो दे रखा ना बस चीज़ें आसान है यार कुछ प्रॉब्लम है क्या बस लगा दो भाई वन फाइव फोर टाइम जीरो किलोवाट में अब हेड कितना है हैंड्रेड है बस हैंड्रेड पावर फाइव बाई फोर इसे कैलकुलेशन प्रॉब्लम है बस मेन प्रॉब्लम कैलकुलेशन में है कैलकुलेशन करने का तरीका क्या है कि फाइव बाई फोर है ना और फाइव बाई फोर को आप चाहो तो डायरेक्ट ऐसे ले सकते हो क्या फाइव बाई फोर को इसको आप कर दो स्क्वायर रूट इधर कर दो थ्री हंड्रेड ले लो क्योंकि जान मुझे कैसे डालता है जिससे कि आप कैलकुलेट ना कर पाओ और छोड़ के चले जाओ अब यहाँ पे डर के ये हंड्रेड अब ये फाइव बाई फोर आप डायरेक्ट ऐसे ले सकते हो ठीक है ना हंड्रेड और ये पावर फाइव तो यहाँ पे फोर तो टेन पावर फाइव है तो टेन की पावर फोर एक बार बाहर निकलेगा हंड्रेड आएगा हंड्रेड आएगा।, आएगा बिल्कुल हंड्रेड आ जाएगा और एक हैंड्रेड के अंदर बचेगा तो वैल्यू कहीं अगर उसकी देखोगे तो कुछ कम आ जाएगी तो एक बार हैंड्रेड बाहर आया बिल्कुल तो सार्ट आउट करोगे इन सबको तो ऑप्शन आपका थ्री सिक्स सेवन आएगा ये कितना आएगा थ्री सिक्स सेवन इतना आ जाएगा तो ऑप्शन सी इज करेक्ट कैलकुलेसन अडियर कुछ और नहीं थोड़ा नियरली अबाउट में जाओगे तो चीजें वैल्यू आपको इजिली निकल जाएंगी ठीक है ना अडियर यार नेक्स्ट बात करें सर्च टैंक सर्च टैंक क्या होता है सर्च टैंक वाटर हैमर को रोकने के लिए बैठ करने के लिए करते हैं डियर टू किसके लिए करते हैं रिड्यूस वाटर है जिससे वॉटर हैमर वगैरह क्रिएट ना हो हमारे पावर प्लांट पर ठीक है ना रिड्यूस वाटर हैमर रिड्यूस करेगा डियर अवॉइड नहीं करेगा पूरी तरीके से ठीक है ना रिड्यूस करता है ये चीजें भी क्लियर हो गई होंगी यार आपको अब बात करें अगर यार देखो यार जितने भी क्वेश्चन चल रहे हैं ना वही क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है और काफी इंटरेस्टिंग भी होंगे मजा भी आ रहा होगा यार ओवरऑल कॉन्सेट आपको हर तरीके के मिल जा रहे होंगे ना बिल्कुल तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पावर अ पंप इज गिवन एज थर्टी एच पी हर्स पावर ठीक है ना वर्ट इज द इक्विवेलेंट यार कितना मतलब इजी क्वेश्चन पूछा है बस क्या कन्वर्जन करना है यूनिट का खेल करना है थर्टी हर्स पावर ठीक है ना किसमें करना है आपको वाट में निकालना है आपको पता होगा मैं हॉट स्पॉट में कितना होता है सात सौ छियालीस होता है डे यार बस सात सौ छियालीस होता है मल्टीप्लाई कर दो वैल्यू पा जाओ खुद ही कितना होता है सात सौ छियालीस अब अगर सात सौ छियालीस है सात इक्कीस तो वैल्यू कितना है कि पता ही है आपको देख लो भाई थ्री से मल्टीप्लाई कर दो जीरो वैलू थ्री से अठारह एक हो गया बारह तेरह बस एक बाईस बाईस तीन अस्सी इक्कीस में ऑप्शन इज करेक्ट कुछ था क्या इस क्वेश्चन में नहीं कुछ होना भी नहीं चाहिए यार सर

वो भी चीज़ें क्लियर है, है।, पता, पता, है। फॉर्मूलाई फोर बस क्यू की वैल्यू रखो एन की वैल्यू रखो, रखो और एच एम रख दो सारी चीजें पुटअप कर दो आंसर खुद दो खुद पा आ जाओ कोई टफ है कुछ नहीं यार चाहो तो रखो देख लो एन कितना है सेवन फिफ्टी रूट क्यू कितना क्यों कितना है फिफ्टी बस इजी यार कुछ नहीं अब एच एम कितना है डिया? हेड हेड इन्होंने दे रखा है ना बिल्कुल दे रखा है तो क्या इस क्वेश्चन में कुछ था क्या कुछ भी नहीं है खुद बेखुद खुद पा जाओगे चीजों को आसान करके सब आ जाए चीजें कुछ रहता नहीं यार मतलब इजी इजी क्वेश्चन है विच वन ऑफ दी फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर इम्पल्स टर्बाइन एम्पल टर्बाइन के लिए कौन सी कहानी सही है अब देखो टू ट्रबाइन की इम्पल्स होती है रिएक्शन इम्पल्स होती है चाहे इसको बोल दो चाहे इम्पल्स बोल दो और एक इम्पल्स होती है इंपल्स में क्या कहानी है Always operates in submerged condition. नहीं ये कहानी सही नहीं है कन्वर्ट्स का ये कहानी सही है देखो नेक्स्ट और क्या बोला कुछ प्रेशर और वेलोसिटी कहानी होती है ऑपरेट्स बाय इनिशियल एनर्जी जो वाटर की एनर्जी होती है डायरेक्ट प्रेशर एनर्जी वो कन्वर्ट किसमें होती है ये बात एकदम सही बोल रहा है नेक्स्ट क्या बोला

10, पावर ऑफ टेन थाउजेंड हार्स पावर हमें डी निकालना यही चीज है तो कौन से टर्बाइन सुटेबल होगी फ्रांसिस पेल्टन कैप्लान प्रोपेलर तो यहाँ पे आपको अगर कुछ नहीं पता आप स्पेसिफिक स्पीड निकाल लो स्पेसिफिक स्पीड जितनी आएगी उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे तो स्पेसिफिक स्पीड अगर आप टर्बाइन की निकालना है एन एस एन रूट बी एच फाइव बाई फोर हेड दिया है एट्टी एट्टी वन है फाइव बाई फोर एच डी आई एट्टी वन ठीक है एन दे रखा है इन्होंने एन आपको फाइव हंड्रेड आर पी एम दिया है पावर भी इन्होंने दे रखा है सबको सॉर्ट आउट करोगे तो एन एस की कुछ वैल्यू आएगी एन एस की वैल्यू अगर देखो पेल्टन में क्या होता है जीरो से सिक्सटी हो जीरो से सिक्सटी तो क्या होगा पेल्टन टर्बाइन होगा पेल्टन टर्बाइन होगा डियर और सिक्सटी से अगर वैल्यू थ्री हंड्रेड आती है तो आपका डीयर वो क्या होगा फ्रांसिस टर्न होगा फ्रांसिस टर्बाइन होगा और वैल्यू अगर थ्री हंड्रेड से वन थाउजेंड रहती है तो तो आपको कैपलान, ओके डियर तो जब पे आप सर्ट आउट करोगे तो वैल्यू आपकी थ्री हंड्रेड साठ से तीन सौ के आसपास ही आएगी तो पता ही है, फ्रांसिस हो जाएगा कैसे आएगी ये पता को फाइव हंड्रेड कर लो यार रूट पी कर लो बस ये कुछ टफ नहीं है यार ये सब चीजें आसान है चाहो तो करके एट्टी वन है ना एट्टी वन को रखू थ्री की पावर क्या कर दू कोई नहीं लो एन है फाइव हंड्रेड लो भाई फाइव हंड्रेड कितना है टेन की पावर फोर है 10 की पावर 4 लिख दिया मैंने H है कितना है कैंसिल आउट हो जाएगा थ्री की पावर फाइव बचेगा थ्री की पावर फाइव अब फाइव हंड्रेड और थ्री पावर फाइव थ्री पावर फाइव करोगे टू फोर्टी थ्री के आसपास आएगा टू फोर्टी थ्री मतलब ढाई सौ तो फाइव हंड्रेड डिवाइड करेंगे टू आ जाएगा बिल्कुल टू आ जाएगा अब टू ये और ये अपन टेन स्क्वायर हंड्रेड दो सौ आया साठ और तीन सौ के बीच में आया दो सौ वैल्यू फ्रांस ट्राइन हो गई कुछ टफ रहा नहीं यार टफ है ही नहीं ना तो ये टफ कैसे होगा चीजों को समझो समझो अपने आप परफॉर्मेंस कर्व ऑफ पंप कौन सा पंप के लिए नहीं हो सकता क्या बोल रहा है सेंट्रीफ्यूगल पंप के लिए कौन सी चीजें नहीं हो सकती होगा तो डिस्चार्ज होता है वो इंक्रीज करता है स्पीड के साथ पावर डिक्रीज विद स्पीड कुछ कॉन्सेप्ट है कुछ मजेदार चीजें हैं उनको देखो समझो खुद खुद समझ में आएगा अभी जो मैंने चीजें लिखी थी आपको वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखा था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हेड लिखा था ना बस उसको ध्यान रखो अब क्या है कि पूछा पंप जो है डिस्चार्ज इनक्रीजेज विद स्पीड एक बात और थी पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यों होता है क्या डिस्चार्ज इंक्रीज विद स्पीड क्या डिस्चार्ज और क्या पूछा है फॉलोइंग इज नॉट कौन सा नहीं हो सकता है तो डिस्चार्ज विद स्पीड अच्छा डिस्चार्ज होता क्या है ए इंटू बी होता है बिल्कुल एरिया तो दोनों डिपेंड करता है तो भाई ये तो कर रहा है डिस्चार्ज इंक्रीज हो रहा है स्पीड के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पावर डिक्रीज विद स्पीड पावर डिक्रीज विद स्पीड इस बात की भी कुछ समझ नहीं आ रहा देखते हैं आगे क्या हो सकता है कि नहीं हो सकता है अब आगे पूछा हेड इंक्रीज विद स्पीड हेड जो है इंक्रीज कर रहा है स्पीड से बिल्कुल हो रहा है मैनोमेट्रिक हेड डिक्रीज विद डिस्चार्ज मैनोमेट्रिक हेड जो है डिक्रीज विद डिस्चार्ज क्या ऐसा हो रहा है क्या कहीं कि मैनोमेट्रिक जो हेड है वो डिक्रीज कर रहा है विद डिस्चार्ज ऐसा तो कहीं नहीं है यार तो ऑप्शन आप आपको मिल गया होगा ना ऑप्शन तो देख के समझ में आई गया कौन सा हो सकता है ना बिल्कुल यार कमेंट करके बताया कर कुछ चीजें ना मजेदार चीज़ें हैं फॉल्स स्टेटमेंट फ्रॉम स्पेसिफिक कौन सा फॉल्समेंट है तो वही फार्मूला लगा दो भाई अभी आपको पता ही था एन एस होता है एन रूट क्यू एच एम पावर थ्री बाई फोर ठीक है ना तो इंक्रीज इन साफ्ट स्पीड अगर साफ्ट की स्पीड बढ़ाओगे तो क्या होगा बिल्कुल यार स्पेसिफिक स्पीड क्या होती है यारेगी घटेगी चीज क्यों है ना क्यों है तो स्पीड बढ़ेगी तो वो भी बढ़ेगा तो एन एस भी बढ़ेगा तो ये तो सही है इंक्रीज इन डिस्चार्ज डिस्चार्ज बढ़ाओगे स्पेसिफिक स्पीड बढ़ेगी ये भी सही है डिक्रीज इन ग्रेविटेशनल असल अगर ग्रेविटेशनल असल डिक्रीज करोगे ग्रेविटेशनलेशन डिक्रीज करोगे तो क्या होगा स्पेसिफिक वेलोसिटी क्या होगी इंक्रीज करेगी बिल्कुल इंक्रीज इन हेड अगर हेड को इंक्रीज करोगे तो ये डिक्रीज होगा ये पॉइंट गलत मतलब यही सही है क्योंकि इसमें फॉल्स पूछा ना तो ऑप्शन डी इज करेक्ट बाकी चीजें आपको समझ में आ गई खुद ग्रेडेशनल डिक्रीज करोगे तो आपकी वेलोसिटी बढ़ेगी अब यार बात नेक्स्ट देखो इन अ इनट्रिफिकल पंप द फ्लो ऑफ वाटर लीविंग द इंपेलर तो कैसा फ्लो होगा अगर इंपेलर को सेंट्रिफिकल पंप है पता ही होगा आपको इंपेलर वगैरह होता है तो वहां पे जो फ्लो इंपेलर से बाहर निकलेगा तो कैसा फ्लो आएगा जब फ्लोड बाहर निकलेगा वहां से पे, तो कैसा आएगा रेडियल रेडियलियर सेंट्रीफ्यूगल या फ्री वोटेक्स तो वहां पे कैसा बनेगा मोशन कैसा होगा फ्लो का रोटेशनल फ्लो होता है होगा. तो वहां बनेगा ठीक है ना भाई चीजें यार क्लियर हो गई है समझ में आ गया है कुछ कंफ्यूजन किसी को आई थिंक तो नहीं होना चाहिए ना यार चीजें आसान है ना अब क्या वाला अबव द वाटर लेवल

ध्यान रखो स्पेसिफिक स्पीड और हेड की बात किया है पूछा क्या कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है एन एस स्पेसिफिक स्पीड जो होता है अभी मैंने लिखा था स्पेसिफिक स्पीड पेल्टन के लिए कितना होता है जीरो से साठ फ्रांसिस के लिए कितना होता है साठ से तीन सौ सिक्सटी से तीन सौ तीन सौ सौ हजार कैप्लान या प्रोप्लर फर्स्ट बोला फॉर स्पेसिफिक स्पीड कैप्लान के लिए दस से तीस यही ऑप्शन गलत है पहला ही ऑप्शन बुला गया सही तो इसके लिए ऑप्शन एच करेक्ट स्पेसिफिक स्पीड साठ से तीन सौ फ्रांसिस सही है अब बात हेड की भी होती है बट हमें आंसर मिल ही गया तो कोई जरूरत है नहीं ठीक है ना बाकी वैसे सही है फॉर हेड फाइव से डेढ़ सौ है फ्रांसिस उसके रेंज में आ रहा है फॉर हेड एव अब तीन सौ वेल्टन के रेंज में आ रहा है तो चीजें ईजी हैं टफ नहीं है तो ऑप्शन है आपको मिल गया अब भाई बात करो नेक्स्ट की मैक्सिमम नंबर ऑफ जेट्स जनरली एम्प्लायड इन एम्पल्स टर्बाइन विदाउट जेड इंटरफ्रेंस कितना होगा

डियर स्पीड रेशियो की बात आती है किसकी स्पीड रेशियो अगर स्पीड रेशियो जो है कितना हो जाए कि पेल्टन विल वर्किंग अंडर कॉन्स्टेंट हेड डिस्चार्ज है, है जो जब उसका स्पीड रेशियो जो है पॉइंट फोर सिक्स हो जाए पॉइंट फोर सिक्स अगर रेंज में आता मतलब जैसे पॉइंट फोर से पॉइंट फाइव के रेंज में आ रहा है तो ऑप्शन केवल एक ही है कि इसके रेंज में अगर आ रहा तो है तो मैक्म एफिसंसी होतेगा ठीक है ना चीजें आसान है कुछ ऐसा नहीं है मतलब प्रैक्टिस अगर कर डालोगे ऊपर सब चीज़ हो ना हर एक सब्जेक्ट का चल रहा है मज़ा आ जाएगा यार आपको खुद ब खुद भाई नेक्स्ट बात किया इफ स्पेसिफिक स्पीड ऑफ टर्बाइन इज स्पीड ऑफ एन इमेजनरी टर्बाइन आइडेंटिकल विद द गिवन टर्बाइन विच डिलीवर्स यूनिट डिस्चार्ज क्या पूछा है इन्होंने स्पेसिफिक स्पीड कहाँ नहीं पूछ रहा है तो स्पेसिफिक फार्मूला पहले लिख लो एन एस एन रूट पावर फाइव बाई डिलीवर यूनिट डिस्चार्ज अंडर यूनिट हेड क्या डिलीवर करता है डेवलप्स यूनिट हॉर्स पावर अंडर यूनिट हेड ये बात तो क्लियर हो रही है स्पेसिफिक स्पीड ऑफ टर्बाइन इज ए स्पीड बिल्कुल स्पीड वर्ड हो गया और यूनिट पावर यूनिट होना चाहिए और हेड आपका तो ऑप्शन सी डेवलप्स यूनिट हॉर्स पावर अंडर यूनिट हेड ओके डियर

ग्रॉस हेड में कुछ माइनस करना होता है कौन सा जो लॉसेस होते हैं हेड बी सा लॉस तो आपको मिल जाएगा कौन सा तो मिल head, कितना होगा वो चीजें आपको जो नेट हेड होगा वो चीजें आपको डियर मिल जाएंगी ठीक है ना नेट हेड जो होगा वो चीजें आपको मिल जाएंगी तो वहां से चीजें आपको समझ में आ जाएंगी चीजें वहां से डियर आपको समझ में आ जाएंगी तो वहां से चीजें समझ में आ जाएंगी ठीक है ना डियर ओके तो आपने देखा नेट हेड कितना है एच माइनस एचएफ एच माइनस एचएफ एच माइनस एचएफ नेट हेड ओके डियर नेट हेड कितना है एच माइनस एचएफ टोटल हेड है ओके ग्रॉस हेड माइनस एचएफ कर दोगे तो चीजें वहां से आसान हो जाएंगी और समझ में भी आ जाएगा ठीक है ना डियर तो ऑप्शन बी करेक्ट अब भाई अगर बात करें नेक्स्ट तो क्या बोला है उन्हेंने बोला है स्पेसिफिक स्पीड ऑफ पंप हैज़ डायमेंशन ऑफ स्पेसिफिक स्पेसिफिक स्पीड कितना डियर अब एन है तो तो और स्क्वायर रूट के अंदर क्या होगा क्यों होगा बिल्कुल और ये एन हो गया स्क्वायर रूट के अंदर क्यों अब नीचे डियर क्या आता है मैनोमेट्रिक हेड आता है पावर कितनी होती है थ्री बाई फोर होती इसी को शॉर्ट आउट कर लो को वैल्यू मिल जाएगी एन क्या है ये क्या है आर मतलब आर है तो आर को आप पता ही डियर ना आर है तो आर पी एम पर मिनिटर मतलब कि टी पावर माइनस वन आएगा बिल्कुल टी पावर माइनस वन आएगा अब डिस्चार्ज है ना डियर बिल्कुल डिस्चार्ज डिस्चार्ज क्या होता है क्यूबिक मीटर पर सेकेंड तो क्यूबिक मीटर क्या है एल थ्री पर सेकेंड टी पावर माइनस वन और ये स्क्वायर रूट भाई लगा दो अब यहाँ पे क्या मीटर में आता है हेड मतलब कि एल पावर अब जब सबको शार्ट आउट करोगे तो देख लो भाई ये एल पावर थ्री बाई टू है ना टी पावर माइनस वन है और देखो कौन कौन सा एलिमिनेट करो कौन कौन सा आंसर नहीं हो सकता है एम तो कहीं है नहीं एम का कोई केस आएगा नहीं तो डी ऐसे नहीं हो सकता है अब एम एल टी सब जीरो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि कुछ ना कुछ तो है तो सी भी नहीं हो सकता है ए और बी में देखो एल टी है यहाँ कुछ हो सकता है गेम यहीं पे है टी पावर माइनस वन है और टी पावर माइनस वन बाई टू है तो टोटल कितना हो जाएगा आपको खुद को समझ में आएगा माइनस टी पावर माइनस थ्री बाई टू तो मिल गया होगा ऑप्शन एज करेक्ट आगे चेक करने की जरूरत है नहीं ऑप्शन एज करेक्ट ठीक है ना डियर बात समझ में आई अब क्या बोला इन कैप्लांट टर्बाइन

एम पावर थ्री कर दिया बस वही है इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ यूनिट फिर से वही यार पूछ रखा है यूनिट ऑफ सच साइज दैट इट इट डिस्चार्ज डिस्चार्ज कितना करेगा यूनिट डिस्चार्ज एट यूनिट पावर नो पावर का नीचे खेल नहीं होता है नीचे क्या होता है हेड होता है यूनिट डिस्चार्ज एट यूनिट हेड ये बात सही है और यूनिट वॉल्यूम एट टाइम नहीं यूनिट वर्क ये भी नहीं तो ऑप्शन बी इज करेक्ट ओके डियर चलो भाई आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट डियर बात आई है कि हाइड्रो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट प्लांट विल हैव फॉलोइंग हाइड्रोलिक मशीन जो अपन होते हैं कैसे पावर हाइड्रो पावर प्लांट होते हैं वहां पे क्या होता है कि टर्बाइन हाइड्रोलिक होगी बिल्कुल हो क्या होगा क्या चीजें मतलब कि पार्ट्स हैं कुछ मशीनरी पार्ट्स है हाइड्रोलिक पंप होगा इलेक्ट्रिक मोटर नाफतीस तो पावर प्लांट की बात किया हाइड्रोलिक मशीन तो कौन सी मशीन

ए सी डी में देखना चेक करना बता देना खुद ही तो यार सब इजी इजी टफ है क्या नहीं है अब यार देखो इतने हम लोगों ने मशीन से क्वेश्चन लगाए हो तो गए थोड़े बहुत क्वेश्चन हम लोग अच्छे अच्छे होते हैं मजेदार होते हैं केवल एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे होता है कि जैसे कि पानी होता है कंटेनर है कोई बॉडी अगर डूबी आर्कमिडीज प्रिंसिपल ने पढ़ा होगा आप लोगों ने और बायसी कॉन्सेप्ट सेम ही होता है सेम का मतलब ये नहीं कि सेम कॉन्सेप्ट अगर उसी बेस पे चलता है बैंस ही क्या होता है कि जितना फोर्स वो अप्लाई करेगा वाटर अगर कोई पिंड है कोई बॉडी है वाटर पे गिरती है तो अपने भार के बराबर वाटर डिस्प्लेस करेगा ना बिल्कुल वाटर डिस्प्लेस अपने जितना उसका वेट होगा उतना डिस्प्लेस करेगा उस पर एक फोर्स लगता है वाटर के द्वारा अपोजिट डायरेक्शन में वही आर्कमंडी साहब ने बताया था ना आर्कमंडी साहब ने इसी को बताया था बस इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखना अब फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर क्या है इसे भी हमारी पूरी कहानी नाचेगी यहाँ मेटल सेंटर वगैरह की बात होगी पहला क्वेश्चन आपको मेटल सेंटर से कुछ दिखेगा

कभी भी आ ही नहीं सकता है जब भी आएगा क्योंकि देख लो ना क्या है दो वर्टिकल लाइन है ना एक बी और जी से पास करेंगे दूसरी बी वन और जी इससे जो पास करेंगे वही लाइन के बीच में जो इंटरसेक्शन होगा उस पॉइंट पे आपका मेटा सेंटर आएगा तो ऑप्शन आपको मिल गया होगा खुद ऑप्शन आपका बी इज करेक्ट ठीक है ना डियर आइए भाई बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की एक आइसबर्ग है आइस क्यूब समझ लो आइसबर्ग फ्लोट्स इन अ सी वाटर कहां तैर रहा है

वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस डिस्प्लेस बाय बॉडी ठीक है ना डिस्प्लेस बाय बॉडी बॉडी जितना डिस्प्लेस करेगा वाटर उसका वेट इन दोनों का ले लो बस कहानी सेट हो जाएगी पूछा क्या है डिटरमिन स्पेसिफिक वेट ऑफ आइसबर्ग वही अपनी जो बॉडी है वो आइसबर्ग ही है उसका हमको स्पेसिफिक वेट निकालना अच्छा वेट ऑफ बॉडी मतलब क्या एम जी की बात हो रही है ना एम इन जी अब एम को अगर हम चाहें तो रो इन टू वी लिख सकते हैं बिल्कुल रो इन टू जी लिख सकते हो रो इन टू वी रो इन टू वी रोजी वी कोई कंफ्यूजन नहीं है रोजी को स्पेसिफिक वेट होता है ये निकालना है ये निकाल लेंगे अब ये क्या वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस बाई बॉडी जो वेट ऑफ वाटर है बॉडी के द्वारा डिस्प्लेस किया गया जो बॉडी के द्वारा डिस्प्लेस किया गया अच्छा अगर आप देखो फोर्टीन परसेंट कितना है ये ऊपर है तो नीचे कितना गया होगा वो फोर्टीन मतलब हंड्रेड माइनस कर दोगे आएगा

बिल्कुल है तो यहां से आप देखो टेन हंड्रेड और 0 .86, 0 .86 अच्छा ये हम जी से मल्टीप्लाई क्यों किए क्योंकि पे जो डेंसिटी दे रखी है है ये स्पेसिफिक वेट फॉर्म में ना तो हो गया स्पेसिफिक रोज ही है ना ये ना कि डेंसिटी है इसलिए यहाँ से किया अब वी से वी कैंसिल हो जाएगा डियर वी से वी कैंसिल हो जाएगा और चीजें आपको खुद बे खुद इजिली मिल जाएंगी और कोई कंफ्यूजन कोई टेंशन फिर यहाँ से नहीं है आपका वी कैंसिल हुआ अब इधर रहा रो, रो जी हमें निकालना था केवल बस वी कैंसिल हो गया एक्स इन सब को मल्टीप्लाई कर दो खुद दो आंसर पहुंच जाओ कुछ टफ है क्या नहीं है ना यार इन सब क्वेश्चन कुछ रहता है कुछ भी नहीं रहता है केवल कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए खुद लगा ले जाओगे आप ठीक है ना भाई चले भाई बात नेक्स्ट बात करें अब क्या बोला इफ नाइनटी परसेंट वॉल्यूम आप इस है इन द वाटर सेम वैसे क्वेश्चन फिर से दे रखा है वही कांसेप्ट सेम फिर से लगाना है फिर खुद ब खुद लगा लोगे सेम वही कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में क्या है एमर्स इन वाटर एंड ओनली पे पे क्या बोला वॉल्यूम इज है अब वहां पे माइनस मत करना क्योंकि बोला है तो यहाँ पे पॉइंट वन वी करना पॉइंट वन वी जो मैंने वहां पे माइनस कर किया था वहां पर क्योंकि वो बोल रहा था इतना ऊपर था डिस्प्लेस तो जब जितना ऊपर बोले अगर हमको लेना कौन कितना डिस्प्लेस करता है डिस्प्लेस पार्ट कौन सा करेगा जो डूबेगा टेन परसेंट वॉल्यूम वाटर सर्फेस तो माइनस कर को कितना आएगा? 90 भी करना, और कितनी है कि वही लगाओ वही सब कुछ सेम आ जाएगा आपको तो ना डियर अब बात करते हैं मतलब एक आंसेप्ट तीन तीन क्वेश्चन घुमा के रखा है और कुछ नहीं किया है इज फ्लोटिंग द वॉटर विद इमरजिंग मीटर थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना वन मीटर डेप्थ वो किया है वाट इज वेट ऑफ द क्यूब हमें क्यूब का वेट निकालना है ठीक है ना वेट ऑफ क्यूब निकालना है अब क्या बोला है क्यूब मीटर मीटर फ्लोटिंग इन वाटर इमर्जिंग टोटल पूरा नहीं डूबा है वन मीटर ही डूबा हुआ है इसको ध्यान रखिएगा आप टू मीटर फ्लोटिंग हो रही है वन तो वन से मल्टीप्लाई करना यानी कि पूरा पूरा सब ले लेना ठीक है ना

कितना लोगे मतलब अगर वॉल्यूम निकालोगे कितना आएगा एल बी एच होता है ना हम पॉइंट फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे वॉल्यूम निकालने क्योंकि हमें वो वॉल्यूम लेना है और कितना हो जितना अंदर डूबा होगा मिल गया वैल्यून आएगा क्या बिल्कुल ये वैल्यू वन आएगी वॉल्यूम कितना आपका होगा अब निकाल लोगे वेट ऑफ वाटर कितना दे रखा है वेट ऑफ वाटर टेन किलोमीटर पर किलोमीटर मतलब एक तरीके से वेट डेंसिटी ही है रो दिया वी दिया बस रो वी मल्टीप्लाई किया आंसर पाया खुद मतलब यार ये सब इजी है कुछ क्वेश्चन कुछ है ही नहीं बस केवल ये उसी के इर्द कहानी नाच रही है नेक्स्ट क्या विच वन ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है बायसी के लिए के। कि जो बायसी होगी इट इज पॉइंट दर बाइंड कौन सा पॉइंट होता है पे आपका फोर्स एक्ट करता है

ए बॉडी फ्लोट्स इन स्टेलियम कौन सा इक्वेबरियम स्टेबल इक्वेबरियम में कब होगा फ्लोटिंग का केस होता है और एक समझ का केस होता है जब बॉडी डूबी हो फ्लोटिंग केस में क्या होगा मेटा सेंटर की कहानी आएगी अगर मेटा सेंटर की कहानी आए तो समझ लेना फ्लोटिंग का केस है बॉडी फ्लोट कर रही है तो स्टेबल कंडीशन में कैसी आएगी देखो अगर न्यूट्रल कंडीशन है न्यूट्रल में क्या होगा मेटा सेंटर जो होगी मेटा सेंटर वो जी के कॉन्साइड करेगी और स्टेबल कंडीशन क्या होगा मेटा सेंटर वो जी से अब होगी और मेटा सेंटर अगर जी से बिलो है तो क्या होगा अनस्टेबल कंडीशन यहां पे क्या बोला है इन स्टेबल कंडीशन स्टेबल कंडीशन में देख लो भाई बिल्कुल सही है zero, नहीं ऑप्शन मिल गया होगा आपको ऑप्शन बी इज करेक्ट ठीक है ना स्टेबल अनस्टेबल और न्यूट्रल तीन कंडीशन होती है और समझ में केस में क्या होते हैं बायसी और जी में देखते हैं बी और जी के केस में देखते हैं नेक्स्ट क्या है Centrabancy always. Centrabancy कहां पे होगी

फ्लोड के बहुत सारे क्वेश्चन लगा लिए और हम जो देखेंगे नेक्स्ट वो हम लोग मैके क्वेश्चन देखेंगे आगे नेक्स्ट सेशन में हम लोग मैकेनिक्स की बात करेंगे काफ़ी वो भी इंटरेस्टिंग होगा सेसन तो फ्लोड हम लोगों ने कितनी अच्छी तरीके से टोटल फोर लेक्चर आई थिंक हम लोग हुए हैं और ये लेक्चर अपने लास्ट रहा तो पूरा का पूरा हर एक चैप्टर को हम लोगों ने कवर कर लिया है फ्लोड ईयर अपनी तैयारी स्टार्ट को एकदम मस्त तरीके से शानदार तरीके से बहुत टाइम नहीं है आपके पास जो विद इन डेज बचे हुए हैं ना इसमें एकदम मस्त तरीके से लगे जाओ बस इसमें अगर आपने प्रॉब्लम कर दिया तो फिर तो प्रॉब्लम है अभी लास्ट टाइम चल रहा है एकदम प्रैक्टिस रिविजन पर एकदम ध्यान रखो बस फुल्ली फोकस रिविजन पे क्वेश्चन थोड़ा बहुत देखते चलो रिविजन करते जाओ और कुछ नहीं अब नए चीज़ें आप टच मत करना ठीक है ना डियर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में डियर थैंक यू थैंक यू सो मच